हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के भरवा पराठे। और मेथी के पराठों को हम बना रहे हैं न्यूट्रिक से, जो झटपट से बन भी जाते हैं और ना फटते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं ये एक गड्डी मेथी की, और इस मेथी को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, धुल करके बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से। और अब हम इस बारीक कटी हुई मेथी में मिक्स करेंगे एक उबला हुआ आलू। तो हम इस मेथी को फ्राई करेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम इस उबले हुए आलू को मिक्स करेंगे इस मेथी में। तो चलिए, मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं हम एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। और तेल गर्म होने के बाद हम डाल रहे हैं 2 छोटी हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 पिंच हींग, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इस तरह से मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो बारीक कटी हुई मेथी को हमें इस तड़के में डाल करके हमें इसको अच्छे से मसाले में मिलाना है। और जब मेथी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो तब हमें इसमें डालना है नमक। तो हमें थोड़ा हल्का नमक डालना है, स्वाद के अनुसार नहीं डालना। इस तरह से जब मेथी में नमक डल गया है तो मेथी पानी छोड़ेगी, तो उसके लिए हम लो फ्लेम पर ढककर रख रहे हैं 2 मिनट के लिए मेथी को। जब तक मेथी हमारी लो फ्लेम पर पक रही है तो तब हम उसी रेस्ट में हम आटा बना रहे हैं। अब आटे में हम थोड़ा हल्का नमक डाल के एक सॉफ्ट डो बना लेंगे इस आटे का, जैसे कि हम रोटी का बनाते हैं। सॉफ्ट बनाना है, टाइट नहीं बनाना है, क्योंकि मेथी जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट ढीली होती है। तो इस तरह से हमने एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। इसको भी हम रेस्ट पे रख रहे हैं 5 से 7 मिनट के लिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो लो फ्लेम पर हमने मेथी को रखा था फ्राई होने के लिए, तो इसमें जो मेथी ने पानी छोड़ा था वो मेथी का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। जब मेथी का पानी अच्छे से सूख जाए तभी हमें आलू इसमें मिक्स करना है। तो हमने एक उबला हुआ आलू हाथ से मैश करके मेथी में मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी भी मेथी में थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है। तो फिर हम लो फ्लेम पर रख देंगे ढक करके प्लेट से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि अब मेथी और आलू हमारी अच्छे से ड्राई हो गई है। तो हमें इस तरह से स्पैचुला की मदद से हमें इसको अच्छे से मैश करना है, और एक पिट्ठी की तरह तैयार करनी है ये मेथी। हमारी मेथी की पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है। अब हम देख रहे हैं हमारा जो आटा है वो भी 5 से 7 मिनट रेस्ट होने के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं पराठे। तो इस तरह से आटे को हम थोड़ा सा मल लेंगे, और मलने के बाद अब हम इसके गोला बना लेंगे। तो हम एक इतना बड़ा गोला ले रहे हैं, यानी कि लोई बनाएंगे, थोड़ा मीडियम साइज़ का है, अच्छा थोड़ा भारी है। और हम इस लोई को आटे में डिप करेंगे, और डिप करने के बाद हम एक बड़ी सी अंडाकार रोटी बेलनी है। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी हमें शेप नहीं लानी, हमने इस तरह से अंडाकार रोटी को बेल लेना है काफ़ी बड़ा। और अब हम इस रोटी पर लगा रहे हैं घी। घी को हमें इस तरह से रोटी पर फैला लेना है। और अब हम इसमें मेथी की जो पिट्ठी है, यानी कि मेथी की जो हमने फ्राई किया है आलू के साथ, उसको हमें इस तरह से इस रोटी पर डाल के स्पैचुला की मदद से हमें इसको रोटी पर फैलाना है, और इकसार करके हमें फैलाना है इस तरह से। आप देख रहे होंगे हमें इस तरह से बहुत इजीली इस पिट्ठी को हमने, मेथी की पिट्ठी को हमने अच्छे से फैला लिया है। और अब हमारी जो चारों साइड में थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हमें रोटी थोड़ी पतली बेलनी है, जिससे कि हमारा जो है ये काफ़ी मोटा ना बने। आप साइडों में भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से स्क्वायर में हमने इसको कर लिया है। अब इसके ऊपर से हमने आटे को स्प्रंकल करके हमें हल्के हल्के हाथों से बेलना है, बेलन की मदद से। तो देख रहे हैं आप कितनी इजीली ये मेथी का पराठा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको सेकने जा रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर रखा है हमने एक पैन,
पैन गर्म होने के बाद हम डाल रहे हैं घी को, और घी को अच्छे से फैलाने के बाद हम डालेंगे ये स्टफ्ड पराठा। मीडियम फ्लेम पर हमें इसको अलटते पलटते हुए घी से कोट करना है, यानी कि इसके ऊपर हमें पराठे के ऊपर अच्छे से घी लगाना है। ये पराठा अच्छे से फूल जाता है। चाहे तो आप इस पराठे को सॉफ्ट बना सकते हैं और चाहे क्रिस्पी। अगर आपको इसको क्रिस्पी बनाना है तो लो फ्लेम पर आप इसको काफ़ी देर तक सेकेंगे एक स्पैचुला के प्रेस करने से, तो आप ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। और स्टफिंग तो आपने देख ली है कितनी इजीली, कितने आसान तरीके से हमने इसकी स्टफिंग भरकर तैयार की है। तो मीडियम फ्लेम पर हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं दूसरे पराठे को बता रही हूँ कि दूसरा भी हमने इस तरह से अंडाकार में बेल लिया है, घी लगा लिया है, उसके बाद हमने इस तरह से स्टफिंग डाल के चारों ओर इस तरह से फैला ली है। फिर चारों साइड के जो किनारे हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड दे दिया है। स्क्वायर साइज में आने पर हमने इसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लिया है। कितना इजी है, न्यू ट्रिक है, बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो पूछो ही मत, बहुत ही टेस्टी है। बच्चों से बड़ों तक बहुत ही इंटरेस्ट होके खाएंगे क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी लगता है। और आप देख रहे हैं मैंने बहुत ही आसानी से ये दो पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं, ना इनका फटने का डर और ना ही इनको खुलने का डर। तो आप मैं दिखा रही हूँ कि ये पराठे बारीक परत के इस तरह से अंदर से दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। एक बार इस ट्रिक से आप इन पराठों को बनाकर देखिए, आप बार बार इस तरह के पराठे बनाना पसंद करेंगे। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।